बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा होलसेल लेक्चर 3 के ऊपर, ठीक है? तो इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और उसके अलावा होलसेल के ऊपर यानी कि और भी 4-5 वीडियो यानी कि स्टार्टिंग के ऊपर मैंने बनाई थी। तो अगर आपने नहीं देखी पे तो आप यानी कि पहले वो देख लें, आपको यानी कि अच्छी तरह पता चल जाएगा कि लेक्चर 3 यानी कि एक सीक्वेंस के साथ यानी कि मैं आ रहा हूँ। तो काफ़ी यानी कि डिले हो गया इस लेक्चर के बीच में, तो उसके लिए माजरत है। बीच में कुछ गंदे अंडे हैं जिनकी वजह से ये काम हुआ था, अदरवाइज़ ऐसा होना नहीं था। तो चलें, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप ख़त्म कर देते हैं जल्दी, ठीक है? तो असल बात पता है क्या, जिस दिन ये कम्प्लीट हो गया ना उस दिन ये बिकने लग जाना है। मसला ये था, मसला और कोई नहीं है, क्योंकि आप सपोर्ट करते नहीं हो, आप शेयर करते नहीं हो। आप में से एक आधा मुझे नज़र आता है जगह जगह के ऊपर यानी कि एक आधे ग्रुप के अंदर, बाकी कोई शेयर नहीं करता। तो जिस दिन ये कंप्लीट हो गया उस दिन ये बिकने लग जाना है। जिस तरह वर्चुअल असिस्टेंट का भी बिक रहा है, वो नहीं रुक रहा, कोई भी नहीं रुक रहा, सारे बेच रहे हैं। वो 1-2 दिन 4 दिन रुकते हैं, उसके बाद फिर उनको कीड़ा आता है और वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर तो साथ दोगे तो कोर्स सारे अपलोड होंगे, वरना अदरवाइज़ फिर ऐसे ही डिले होते रहेंगे। तो ये कोई इतने बड़े बड़े यानी कि इतने लंबे कोर्स नहीं हैं, जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, 2 वीक में ख़त्म हो जाता है कोर्स। लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते, आप चैनल को प्रमोट नहीं करते, आप कहते हो सर खुद गरजो, आप चैनल को प्रमोट करवा रहे हो। यार मुझे क्या दे रहे हो, मुझे क्यों यानी कि आप चले जाओ यहाँ से अगर नहीं आपको कोई फ़ायदा हो रहा। तो मुझे तो नहीं है कुछ कोई भी यानी कि, लेकिन आपका ही बेनिफिट है, आप जैसों का ही बेनिफिट है। अगर आप किसी की मदद करोगे तो अल्लाह पाक आपकी करेगा, ये जहन में रखें। दूसरों की हेल्प करोगे तो आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। तो अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इस चैनल के ऊपर आ गए हो, तो बाकी भी आप जैसे बहुत ज़्यादा है, तो आपका हक बनता है, आपका ऊपर फ़र्ज़ है ये कि आप उनको इस चैनल के ऊपर लेके आओ, ताकि ये जो गंदे अंडे बीच में बैठे हुए हैं ना, जो ये बगैरत किस्म के इंसान हैं, इनसे बच जाएं वो, ठीक है? और इसलिए इस कोर्स को मैंने यानी कि डिले कर दिया था, क्योंकि जिस दिन ये कंप्लीट हो गया इसको बेचने लग जाएंगे लोग। अफसोस है वैसे इन जैसे घटिया लोगों के ऊपर, ठीक है? तो ज़्यादा लंबी बातें हो जानी है, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है? बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें, आप प्रमोट करें, अवेयरनेस लोगों के अंदर आए इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो FBA होलसेल इसका लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हमने बेसिकली स्टडी क्या करना है, इसमें हमने बेसिकली जो स्टडी करना है वो ये है, प्रोडक्ट रिसर्च फॉर FBA होलसेल थ्रू टूल्स। अब टूल्स की मदद से हम प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, मतलब कि ब्रांड को हमने हंट करना है। ऑलरेडी मैंने आपके साथ यानी कि रिसर्च क्राइटेरिया यानी कि डिस्कस किया हुआ है, इससे जो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने यानी कि रिसर्च क्राइटेरिया के ऊपर बात की थी। तो इसमें यानी कि पहले हम बात कर लेते हैं टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, फिर रिसर्च क्राइटेरिया के ऊपर हम बात करते हैं, फिर उस टूल्स के ऊपर हम यानी कि ब्रांड को कैसे हंट करते हैं। आपको पता है होल सेल की प्रोडक्ट बेसिकली हम ऐसे ही प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे ब्रांड को चूज़ करते हैं जहाँ से हमें रीसेलर सर्टिफिकेट की इजाज़त मिल जाए, उसके अलावा जिसके साथ मीट टू करके लोग बैठे हों, जिसकी अच्छी खासी सेल हो रही हो, उसमें अमेजोन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। और होल सेल के मॉडल में हमें वेबसाइट चाहिए, हमें कंपनी चाहिए, उसके अलावा हमें एक बिजनेस मेल चाहिए होती है जब हमने किसी ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है। तो हम बात कर लेते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं वीडियो, बात करते हैं कि हमारे पास टूल्स कौन से यूज होते हैं। हमारे पास यानी कि टूल्स यूज फॉर FBA होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च, तो इसमें हमारे पास बेसिकली हीलियम 10 होता है, कीपा होता है, इसके अलावा लोग जंगल स्कोर को भी यूज करते हैं, हीलियम 10 की एक्सटेंशन को भी यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन जो मोस्ट यानी कि रिकमेंडेड है, जो ज्यादा यूज होते हैं, वो ये 2 ही हैं, हीलियम 10 और कीपा है। इसके अलावा काफी एक्सटेंशन यूज होती हैं होलसेल के बिजनेस में, और वो मैं यानी कि आपके साथ इसके बाद डिस्कस करूंगा, इस लेक्चर के बाद, ठीक है? तो इसमें हम बात करेंगे अब यानी कि हीलियम की मदद से हम किस तरह से जो है ना ब्रांड को हंट करते हैं। FBA होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च विद हीलियम 10, तो हम हीलियम से किस तरह ब्रांड को हंट करते हैं, तो इसमें यानी कि वीडियो हमारे पास पहली है, इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, ये पहली वीडियो है। तो इसमें यानी कि हम बात करते हैं रिसर्च क्राइटेरिया के ऊपर, बाकी जो सेकंड वीडियो है वो भी इंशाल्लाह बनेगी इसके ऊपर। आप इसको इसी वीडियो को अच्छे से देख लोगे इंशाल्लाह, यानी कि यहाँ से काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर फिर भी किसी का कुछ रह जाएगा तो जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं उसके ऊपर यानी कि एक डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई करके डिफरेंट यानी कि उसमें बातें करूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो बात हम कर लेते हैं क्राइटेरिया फॉर ब्रांड हंट। अब होलसेल के ब्रांड को हम हंट करते हैं, होलसेल के अंदर 2 ही तो चीज़ें हैं, ब्रांड को हंट करना और उससे अप्रूवल लेना, बस। तो इसका क्राइटेरिया देखें, हर किसी का क्राइटेरिया जो है ना वो डिफरेंट होता है। आपको बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया मिलेंगे अगर आप यानी कि ये देखना चाहते हैं, तो आप किसी भी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दें कि आपको होलसेल के लिए क्राइटेरिया चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया चाहिए, ब्रांड हंट के लिए क्राइटेरिया चाहिए, हर बंदे का अपना क्राइटेरिया आपके पास आएगा। तो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी सबकी जो यानी कि उस सबका जो फोकस होता है ना बेसिकली, वो एक ही होता है कि एक अच्छा ब्रांड हो, अच्छी सेल हो रही हो, उसके साथ अमेजोन नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा यानी कि
डेली की सेल उसकी ज़्यादा हो तो उसके साथ ऑलरेडी यानी कि मी टू करके लोग बैठे हो तो सबका यही होता है फोकस। तो यहाँ पे ये रिसर्च क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सामने आपके मेंशन है यानी कि BSR यानी कि हमारे पास 50,000 होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिव्यू की बात करें तो रिव्यू हमारे पास यानी कि मस्ट बी 20 अबव हो। अब यानी कि मैंने आपके साथ 3-4 शेयर किए हैं क्राइटेरिए, उनमें से एक ये है। बाकी जो नेक्स्ट मैं इसके ऊपर हीलियम 10 के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, वो उसके ऊपर मैं एक और क्राइटेरिया जो है अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि रिव्यू इसके मस्ट भी 20 अबाव होने चाहिए, फिर रेटिंग इसकी मस्ट भी 4 अबाव हो। बाय बॉक्स हमारे पास प्राइस यानी कि मतलब कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए वो 15 से लेके 40 तक होनी चाहिए। अमेजोन एंड ब्रांड शुड नॉट बी डोमिनेंट, ब्रांड भी नहीं बड़ा होना चाहिए उसमें, ना ही अमेजोन होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो वेट उसका मस्ट नॉट बी अबव यानी कि 5 मतलब कि 2.5 kg से उसका ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। सेलर मस्ट भी मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 25, ये हमारे पास सैलर होने चाहिए। 5 से लेके 25 तक हमारे पास सैलर्स होने चाहिए ताकि सैलर्स मी टू, यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे सैलर्स का मतलब है मी टू। अब मी टू मतलब कि क्यों होने चाहिए साथ, ताकि हमें पता लगे कि वो बंदा जो है ना वो हो जो ब्रांड है वो होल सेलर की ऑप्शन दे रहा है। अगर किसी उसके साथ मी टू ही नहीं है तो हम उसको कैसे यानी कि मेल कर सकते हैं कि आप हमें ब्रांड अप्रूवल दे दो, जबकि वो तो इजाज़त दे ही नहीं रहा। तो इसीलिए वो मी टू लाजमी होने चाहिए साथ, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि वो जो ब्रांड है वो बेसिकली होल सेल के लिए नहीं कि रीसेलर सर्टिफिकेट दे रहा है। उसके बाद कैटेगरी जो है ना वो बेसिकली प्रोडक्ट एंड कैटेगरी मस्ट नॉट बी गेटेड। मैंने आपको बताया कि गेटेड कैटेगरीज कौन सी है, रिस्ट्रिक्शन किन कैटेगरीज के ऊपर लगी हैं, मैंने अच्छी तरह आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर अमेजोन की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप इन्हें पता क्या करना है, आपने अमेजोन के ऊपर जाना है, ये आपके सामने अमेजोन ओपन हो गया। आप इसके ऊपर जब जाओगे आपने बेसिकली यहाँ पे नीचे सेल ऑन अमेजोन की ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे सेल ऑन अमेजोन है, ऊपर यहाँ पे सेल ऑन अमेजोन की ऑप्शन इससे ऊपर आती है। आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे जाने के बाद आपने स्टार्ट में जाना, यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट की सेलिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो आप यहाँ से नीचे जाओगे तो ये देखें ये लिखा हुआ है, ये देखें एडिंग योर प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे तो ये देखें ये कैटेगरीज विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ये कैटेगरीज हैं सारी। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो ये वो कैटेगरीज जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप ये वन बाय वन सबको देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके पास वो कैटेगरीज है जिनके ऊपर यानी कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इससे आपने अवॉइड करना है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्राइटेरिया की, अब हमने इसको अप्लाई करना है हीलियम 10 के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं सिंपल हीलियम 10 के ऊपर, ये हमारे पास हीलियम है और ये बेसिकली पेड टूल है। आप यानी कि एक महीने का ट्रायल ले सकते हो लेकिन उसमें लिमिटेड चीज़ें यानी कि आपके लिए ओपन होंगी। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रिसर्च में जाना और ब्लैक बॉक्स को आपने यहाँ से ओपन करना है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। आप उसके अलावा ये डायरेक्ट ये पेज है, मेन पेज है, इंटरफेस है उसका हीलियम का, आप यहाँ से बाय बॉक्स को ओपन कर सकते हो। अब बाय बॉक्स में आपने वैल्यूज ऐड करनी है, जो आपका क्राइटेरिया आपने वो ऐड करके ब्रांड को हंट करना है, और ये आपने यहाँ पे यानी कि बेसिकली मार्केट को सिलेक्ट कर लेना जिस मार्केट में आप सेल करना चाह रहे हो। अब अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊँ तो वो बेसिकली हमारे पास US है, कैनेडा है, मैक्सिको है, जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, UK है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, नॉदरलैंड है। ये तो मार्केट्स के अंदर बेसिकली इन मार्केट्स के अंदर जो है ना वो हीलियम जो है ना वो यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले आपने जिस मार्केट में प्रोडक्ट यानी कि जिस मार्केट में आपने ब्रांड हंट करना है आपने पहले उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कहता हूँ जी मैं US में करना चाह रहा हूँ तो मैं US को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, मैंने वो मार्केट US की सिलेक्ट कर ली। अब बेसिकली मैंने नेक्स्ट क्या करना होगा, मैंने यानी कि यहाँ ब्लैक बॉक्स के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे कैटेगरीज है यानी कि यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप मेंशन कर लो। जैसे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरी है वो बेसिकली हमारे पास कोई भी हो सकती है, ब्रांड हम हंट करने लगे हैं। आप एक कैटेगरी छोड़ भी सकते हो, आप अगर कैटेगरी नहीं देखना चाहते हो तो आप कैटेगरी को छोड़ दो। आप यानी कि सिंपल यहाँ पे जो है ना वो यहाँ अगर रखनी है तो आप कोई भी रख लो यार, कैटेगरी का कोई मसला नहीं है, आप कैटेगरी यहाँ पे रख सकते हो। मैं आपके साथ यानी कि जो है ना वो यहाँ पे कैटेगरी रख के भी शेयर कर देता हूँ, मतलब कि कैटेगरी रखेंगे भी और कैटेगरी के बगैर भी यानी कि मैं यहाँ पे ऐड वैल्यूज ऐड करूँगा और आपके सामने यानी कि ब्रांड निकाल के दूंगा। तो पहले हम यानी कि कैटेगरीज के बगैर ब्रांड को यानी कि देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मिनिमम हमारे पास 10,000 यानी कि रेवेन्यू होना चाहिए, मतलब कि वो कुछ सेल कर रहा हो ना। हम यहाँ पे पुट करते हैं कि हमारे पास 10,000 यानी कि जो है ना वो मेन मिनिमम उसका रेवेन्यू होना चाहिए। उसके बाद यानी कि प्राइस की बात करें तो हम कहते हैं जी हमारे पास यानी कि 15 जो है ना उसकी प्राइस होनी चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद यानी कि हम कहते हैं कि रिव्यू उसके जो है ना 50 होने चाहिए, फिर हम कहते हैं उसकी रिव्यू रेटिंग 4 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यानी कि हम उसे बेसिकली क्या करते हैं, हम एडवांस फिल्टर के ऊपर चले जाते हैं। हम जैसे ही एडवांस फिल्टर के ऊपर जाते हैं यहाँ पर हम कहते हैं कि BSR उसका यानी कि 20,000 से लेके
70,000 के बीच होना चाहिए। हम बेसिकली ब्रांड हंट करने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे यानी कि क्लाइंट ने हमें कहा कि आप 100 ब्रांड हंट करके दो, तो यहाँ से आप हज़ारों निकाल सकते हो। ये देखिएगा अभी कितना रिजल्ट हमारे पास आता है इस क्राइटेरिया के मुताबिक। यहाँ पे हम यानी कि डालेंगे हमारे पास सेलर्स, हम यहाँ पे डाल देते हैं जो मिनिमम 5 होने चाहिए नम और मैक्सिमम जितने मर्जी हो। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे वेट है, हम कहते हैं यहाँ पे 5 हमारे पास यानी कि होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम फुलफिलमेंट के ऊपर जाएँ तो हम यहाँ पे FBA सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास यानी कि वो सेलर्स आए जो FBA हैं। उसको हम यानी कि सिंपल सर्च करेंगे। हम जैसे ही इसको सर्च करते हैं तो हमारे सामने देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब हमारे सामने ब्रांड्स आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही यानी देखें तो ये देखें 200+ ब्रांड हमारे पास आए हैं। अब यहाँ पे देखें इसकी प्राइस 125 है और ये 5 सेलर है। अगर आप यहाँ पे फिल्टर यानी कि देखना चाहो तो फिल्टर आप प्राइस का कम भी कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे ब्रांड्स हैं। इनके साथ यानी कि 6 लोग बैठे हैं। इसकी 408 सेल है। इसका ये रेवेन्यू $48,000 इसका रेवेन्यू है। 31,000 इसके यानी कि BSR है और ये इसके रिव्यू है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर करो तो मैं यानी कि यहाँ पे आपको ये चेंज करके दे देता हूँ। मतलब कि यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मैक्सिमम मेरे पास 40 तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा मेरे पास यानी कि ना आए, इससे जो ऊपर वाली प्राइस है। तो आप इसको सिंपल सर्च करोगे। आप जैसे सर्च करते हो तो अब आप देखो आपके सामने यानी कि वो लोग आएंगे जिनकी प्राइस यानी कि 15 से लेकर 40 के बीच होगी, वो भी 200+ हैं। अगर आप यानी कि स्क्रॉल करते जाओ तो यहाँ पे ये देखें इसकी 23 प्राइस है, 7 इसके लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने ये आपको बताया था यानी कि मैनुअल के अंदर कि आप किस तरह वेबसाइट के ऊपर जाते हो, जाके आप यानी कि ब्रांड को हंट करते हो, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देखते हो, उनसे बात करते हो, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो देखें इस तरह इसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको टूल सारे दिखा दूँ, उसके बाद यानी कि मैं आपके पास आपको रिवाइज़ करवा दूँगा कि आप वेबसाइट के ऊपर कैसे जाते हैं, ठीक है। हीलियम के ऊपर वीडियो बना दूँ, 2 इसके ऊपर बननी है, 2 कीपा के ऊपर बननी है। उसके बाद यानी कि मैं आपको फिर बताऊँगा कि आप बेसिकली किस तरह फाइंड करते हो वेबसाइट को दोबारा। तो इस तरह ये आपके सामने जो है ना वो ब्रांड आ गए हैं। अब मैं अगर यानी कि क्राइटेरिया अप्लाई करूं जो बेसिकली हमारे पास था, तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या आता है मैं वो आपको दिखाता हूं, ठीक है। फिर मैं आपको यानी कि ये CSV फाइल डाउनलोड करके दिखाऊंगा और उसमें यानी कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप एक ब्रांड को यानी कि एक साइड पर कॉपी करते हो। क्योंकि क्लाइंट्स से यानी कि सवाल होते हैं, क्लाइंट्स बेसिकली आपको बोलते हैं जी आप हमारे लिए ब्रांड हंट करके दो, उसमें यानी कि 200 करके दो या 300 करके दो ब्रांड। तो फिर वो आप यानी कि हीलियम का इस्तेमाल करते हो, हीलियम से आप ब्रांड को हंट करते हो। अब यहाँ पे मैं यानी कि पुट करता हूँ कैटेगरीज कोई भी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास यानी कि प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें यानी कि होम एंड किचन या यूज़ कर दो, या हम कहते हैं जी पेट सप्लाई से रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाए हमारे पास। चले होम एंड किचन यूज़ करते हैं, होम एंड किचन हो हमारे पास, हम कहते हैं उसमें यानी कि मिनिमम मंथली रेवेन्यू को हम यानी कि निकाल देते हैं। हम यहाँ पे प्राइस यानी कि 15 डाल देते हैं और उसके बाद यानी कि हमारे पास मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे 40 होनी चाहिए, जो कि हमारा क्राइटेरिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया को मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ रिव्यू हमारे पास जो है ना वो 20 होने चाहिए मिनिमम, अबाव जितनी मर्जी, और रेटिंग हमारे पास 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास यानी कि ये साइज़ बेसिकली स्मॉल साइज़ हमारे पास होना चाहिए, किचन हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमारे पास एडवांस फिल्टर, अगर आप देखो तो ये लिखा होता है एडवांस फिल्टर। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो BSR आपने यानी कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम BSR जो है ना वो 50,000 होना चाहिए और यहाँ पे 5 से लेके हमारे पास सेलर जो है ना 25 तक होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना बेसिकली फुलफिलमेंट चैनल को आप यानी कि सेलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप यानी कि एज इट इज़ छोड़ दो। सेलेक्ट करना है तो आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक करोगे। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपने यानी कि 5 डाल देना है और उसके बाद यानी कि आपने इसको सर्च कर देना है। तो ये एक हो गया प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया। अब आपने क्या करना है, आपने यानी कि देखना है यहाँ पे आपको कौन सी यानी कि यूनिक लग रही है, किसकी अच्छी सेल है। तो इसके मुताबिक आपके पास 26 यानी कि प्रोडक्ट आई हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पे लेके आ जाते हो, 2 सेलेक्ट कर देते हो, तो आप इसको जैसे ही सर्च करते हो तो आपके सामने वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास देखें आप 200+ है, पहले 26 ही, अब 200 यानी कि प्लस हमारे पास प्रोडक्ट आई है। तो आप हमेशा फिल्टर लगा के यानी कि उसको यानी कि एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाएं, उसके अंदर तक घुसें जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये बंदा यानी कि जो सबसे पहले बैच रहा है, इसके साथ 14 लोग बैठे हुए हैं, इसके पास 14 लोग बैठे हैं। मतलब कि ये मी टू की ऑप्शन दे रहा है, आप इससे बात कर सकते हो। उसके बाद अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस हमारे पास इसकी 23 है और ये 1086 यानी कि पीस सेल कर रहा है। उसके बाद नीचे की बात करो तो वो 21 है, 5 उसके साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर नीचे करो 6 उसके साथ बैठे हैं, फिर देखो तो 9 इसके साथ बैठे हुए हैं, 21 प्राइस है, 143 इसकी सेल है, मतलब कि ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद 7 इसके साथ बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी मज़े की सेल है, आप इसके साथ यानी कि बात कर सकते हो। अगर मैं इसको यानी कि ओपन करूं तो आपको दिखा सकता हूं। आपने देखना होता है कि इसके साथ अमेजोन तो नहीं है, ग्राफ यानी कि कीपा का ग्राफ आपको बता देता है अगर अमेजोन था कि नहीं है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है कि नहीं है, कितनी देर के बाद अमेजोन आ रहा है, फिर कितनी देर के बाद अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो है ना आपको कीपा बताएगा। इंशाल्लाह कीपा के ऊपर हम बात करेंगे, कीपा के ऊपर अच्छी डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ देखें 8 लोग बैठे हैं और इसकी सेल देखें 4,000 तकरीबन आ रही है, मतलब कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मतलब कि ये भी ज़्यादा बिक्री है।
आप इसके साथ भी बात कर सकते हो। प्रोडक्ट अच्छी निकला है मुंह से लेकिन बिक्री ज्यादा है, आप उनसे बात कर सकते हो। वही चीज़ हमने अमेजोन के ऊपर वही बेचना है जो वहाँ पे बिक रहा होता है, ठीक है, ना कि वो जो हमारा दिल कर रहा होता है। तो ये मैंने प्रोडक्ट आपके सामने इसको ओपन किया, आप देखें ये, आप इससे यानी कि अप्रूवल लेना चाहो तो ये इसका यानी कि स्टोर का नाम है। उसके बाद यानी कि आपने ये देखना है कि क्या इसके साथ कितने लोग बैठे हैं और उसमें अमेजोन तो नहीं है। अगर अमेजोन होगा तो आप ये इसे अभी स्टॉप कर दोगे। आप यानी कि इसके ऊपर सिंपल क्लिक करते हो। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे देखना है अमेजोन तो नहीं है इसमें सबसे पहले, यानी कि आप सेकंड पे भी अमेजोन नहीं है, सोल्ड नहीं, अमेजोन है इसमें। देखें पहले लिखा हुआ सोल्ड बाई अमेजोन वेयर हाउस, तो ये फिर अमेजोन वेयर हाउस है। उसके बाद यानी कि इसमें अमेजोन है तो आप इस प्रोडक्ट में नहीं आओगे। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है। अब यानी कि यहाँ से आप इसका 90 डे का ग्राफ भी देख सकते हो। अब 90 डे का ग्राफ क्या होना चाहिए, 90 डे का ग्राफ हमारा बेसिकली इसके प्रोडक्ट का ग्राफ यानी कि 500 है 90 डे का। 90 डे का ग्राफ हमारे पास बेसिकली मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए लास्ट 3 यानी कि 90 डे का। तो यहाँ लास्ट 90 डे का ग्राफ यानी कि तकरीबन जो है ना अंडर यानी कि 500 है, आप देख सकते हो। सिर्फ यहाँ पे ऐसा हुआ था कि यहाँ पे एकदम से ऊपर गया है और बाकी उसके बाद यानी कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फ़ौरन जो है ना वो नीचे आ गया और ये अंडर, यानी कि अभी तक इसका ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। मैं आपको यानी कि ये 90 डे का ग्राफ जो है ना वो ठीक है, मैं आपको कीपा के ऊपर बताऊंगा टूल्स कैसे आप यूज़ करते हो। तो आप यानी कि सिंपल यानी कि इसको इसके साथ अमेजोन है, आप नहीं इसके साथ जाओगे, आप देखोगे यानी कि ग्राफ उसका कीपा का ग्राफ ऑन करके देखोगे अमेजोन कब आता है कब जाता है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आपने यानी कि देखनी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको कीपा के ऊपर जो ना वो डिटेल में यानी कि गाइड कर दूंगा। तो इस तरह यानी कि ये बेसिकली आपके पास ये क्राइटेरिया था, आपने बेसिकली ये फाइल डाउनलोड की, आपने यानी कि अभी ये फाइल डाउनलोड करनी है। ये आप जो CSF फाइल है ना ये आप इसको डाउनलोड करोगे, आप जो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आपके पास एक्सेल की फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अगर आप नज़र आ रहा है तो आप देखें नीचे इस लेफ्ट साइड पर कॉर्नर के ऊपर फाइल डाउनलोड हो रही है, फाइल डाउनलोड हो गई है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके मैं फिर आपको इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो है ना ये ओपन हो गई है। अब आपने यहाँ से ये ब्रांड है, आपने ये ब्रांड देखें, आप यानी कि स्क्रोल करें डाउन नीचे करें स्क्रोल इसको और देखें कितने लोग आपको मिले हैं, आपने ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे आपके सामने ब्रांड आए हैं तकरीबन 201, तो आप इनको यानी कि वन बाई वन आप इनको सर्च कर सकते हो। अब एक और ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये ब्रांड है, जैसे इस ब्रांड के पास कितनी प्रोडक्ट हैं, इस ब्रांड के पास कितनी प्रोडक्ट हैं, आप ये भी चेक कर सकते हो। आप सिंपली इसको कॉपी करो, कॉपी आपने कर दिया, आपने कॉपी करने के बाद यानी कि आप हीलियम के ऊपर आओगे। आप हीलियम के ऊपर जैसे ही आओगे तो यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है ब्रांड सर्च, आप उस ब्रांड का नाम यहाँ पे डाल दोगे। अब जैसे ही उसका नाम डालते हो तो आप उसको सर्च करोगे, आप देखते हैं कि इस ब्रांड के पास इस क्राइटेरिया के मुताबिक कितनी प्रोडक्ट हैं, हमें वो यानी कि हमारे सामने रिजल्ट आएगा। तो 13 प्रोडक्ट है इसके पास, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम यानी कि चाहते हैं कि कम से कम यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि क्यों, इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप यानी कि क्लाइंट से बात करते हो वो आपको अप्रूवल दे देता है होलसेलर, तो उसके पास फॉर एग्जांपल 50 टाइप की प्रोडक्ट है। अब आपको एक अप्रूवल मिल गया तो बाकी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको एक दिया हुआ है, बाकी अगर आप उसको अपील करोगे तो वो आपको इजीली दे देगा, ठीक है। तो ये वो बेनिफिट होता है ज़्यादा यानी कि हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट होनी चाहिए ब्रांड के अंदर। तो इस तरह आप यानी कि थ्रू हीलियम जो है ना ब्रांड को हंट करते हो। यहाँ पर आप जाए गए, यहाँ से आप सिंपल क्या करते हो, यहाँ से इसके स्टोर को पकड़ते हो और इसके स्टोर को आप यानी कि यहाँ से ओपन करते हो, कॉपी करते हो, गूगल के ऊपर जाते हो, वहाँ जाके लोकेशन चेंज करते हो, सर्च करते हो, वेबसाइट को अच्छे से देखते हो। तो आप यानी कि इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही यानी कि हीलियम का पहला यानी कि पार्ट अभी कवर हुआ है, मतलब कि ये पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो हीलियम के ऊपर बनेगी, फिर कीपा के ऊपर दो बनेगी, कीपा के ग्राफ के ऊपर बनेगी, फिर मैं आपको यानी कि दोबारा वेबसाइट के बारे में यानी कि ओवरव्यू दे दूंगा। उसके बाद हमारी एक्सटेंशन के ऊपर बात होगी, वो तमाम एक्सटेंशन जो अमेजोन FBA होलसेल के मॉडल में यूज़ होती हैं, चाहे वो पेड हैं चाहे वो अनपेड हैं, उन सब के बारे में मैं आपको डिस्कस डिटेल के साथ आपके शेयर साथ, तो उन सब के बारे में मैं आपके साथ डिटेल के साथ जो है ना वो शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इस तरह यानी कि आई होप कि आपको पता चल गया कि आप किस तरह ब्रांड को हंट करते हो। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने यानी कि कमेंट डाल देना, इंशाल्लाह उसके ऊपर जो ना वो फौरन आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा, जितनी जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ईजी वे में यानी कि बताया कि इसमें यानी कि सिंपल आपने वैल्यू ऐड करनी है, जो भी कैटेगरी आपने चूज करनी है, रिसर्च क्राइटेरिया क्या है आपने वो पुट करना है, पुट करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे ये आपके सामने आ जाएंगे जो भी आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे यानी कि बेसिकली जो है ना वो CSV फाइल जो है ना वो डाउनलोड कर देते हो। ब्लैक बॉक्स में जाना है आपने और यहाँ पे वैल्यूज ऐड करनी है ब्लैक बॉक्स के अंदर, और आपने एडवांस फिल्टर यूज करना है, और आप उसको यानी कि सिंपल क्या करोगे,
निकाल दोगे। अब मैं वैसे ही रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी, मेरे जहन में पता नहीं क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, मैं सर रैंडम चीज़ें डाल रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऑफिस प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मिनिमम उसकी यानी कि रेवेन्यू जो है वो 1500 हो, 50,000 होना चाहिए। प्राइस मैं कहता हूँ जी उसकी 15 हो मैक्सिमम जितनी मर्जी, और रिव्यू मैं कहता हूँ जी उसके 50 होने चाहिए मिनिमम, और उसके बाद यानी कि रिव्यू उसकी 4 होने चाहिए। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे उसका यानी कि साइज़ स्मॉल भी और स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। तो ये मैंने यानी कि अपने से कुछ भी डाल दिया है, इस तरह यानी कि आपने डालना है, परेशान नहीं होना। एडवांस के ऊपर जाओ, एडवांस के ऊपर जाने के बाद आपने BSR डाल दिया। मैं कहता हूँ BSR मैक्सिमम हमारे पास 60-60,000 होना चाहिए, मिनिमम ऑर्डर यानी कि और यानी कि सैलरी हमारे पास 6 हो, मैक्सिमम हमारे पास 25 होने चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ जी फुल पेमेंट यानी कि हमारे पास यहाँ FBA होना चाहिए। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं इसको सर्च करता हूँ। अब देखते हैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक कोई है कि नहीं है, अब ये देखना हमारा यानी कि फ़र्ज़ है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना, प्रोडक्ट यानी कि क्राइटेरिया चेंज करो। लेकिन इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे पास 200+ प्रोडक्ट निकल आई है, जबकि मैंने रैंडम से ये चीज़ डाली है अपने मुताबिक। ये देखिए इसका मंथली सेल इसकी 1600-1700 है, और इसका रेवेन्यू देखिए, मतलब कि ये रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, और इसकी यानी कि प्राइस ये, और 9 लोग इसके साथ आगे बैठे हुए हैं। आप सिंपल आपने इसको ओपन करना है, ओपन करके आप देखें तो यहाँ इसके साथ कौन कौन बैठा हुआ है। आप उसके उससे नीचे आओ तो ये देखें, तो अब मैंने आपको एक रैंडम से यानी कि कीवर्ड यानी कि रिसर्च वॉल्यूम यानी कि एक रैंडम सा क्राइटेरिया ऐड करके आपके सामने यानी कि ब्रांड निकाल के रख दिए। आप यहाँ से CSV फाइल डाउनलोड करते हो, और यानी कि वहाँ से ब्रांड को वन बाय वन जो है ना वो सर्च करके देखते हो उसके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है। तो ये बेसिकली 10 यहाँ पे बेचने हैं। आप सिंपल क्या करोगे, आपने इसको ओपन करके देखना होता है कि इसके साथ कोई अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ। अगर नहीं बैठा तो आप इस मज़ीद इस तो आप मज़ीद इनसे बात करते हो, इनकी वेबसाइट को फाइंड करते हो, वहाँ से आप होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ते हो और वहाँ से इनसे बात करके अगर तो वो आपको दे देते हैं तो वेल डन, अगर नहीं तो परेशान नहीं होना, आप किसी और से बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो थी, हमारे पास तीसरा लेक्चर था उसके ऊपर यानी कि हमने बात की है कि हमारे पास, तो आई होप कि आपको ये तीसरा लेक्चर जो ना वो बहुत अच्छा लगा होगा। तीसरा लेक्चर बेसिकली अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद यानी कि एक और वीडियो इसके ऊपर बनेगी, इसके ऊपर एक और वीडियो बनेगी, ताकि आप बेसिकली जो है ना वो आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि आप किस तरह से इन चीज़ों को लेके चलोगे। तो वो सेकंड वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं यानी कि लेक्चर 3 का ही पार्ट है जो कि कीपा है, और उस कीपा के ऊपर 2 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बाकी वीडियो जो भी होंगी वो सोचेंगे। ठीक है, तो कीपा के बाद मतलब कि मैं आपको फिर दिखा दूंगा कि आप किस तरह से वेबसाइट के ऊपर जाते हो, किस तरह से आप यानी कि उनको कॉन्टैक्ट करते हो, उनसे क्या मैसेज करते हो, मैं आपको वो भी यानी कि बता दूंगा साथ। ठीक है, तो बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।